अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई आज एक और न्यू वीडियो और दो दिन बाद हम दोबारा से वीडियो बना रहे हैं। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह से सारे जानवर सोल्ड हो चुके हैं और अपने घर को रवाना है एक ही साथ। तो तीन चार दोस्तों ने, तारिक भाई के दोस्त वगैरह थे, तो इस तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह सारे सोल्ड हो चुके हैं। अपना गब्बर भी जा रहा है, ये चीना भी जा रहा है, ये भी चीना जा रहा है, ये भी बच्चा जा रहा है और ये वाला भी जा रहा है। और माशाल्लाह से ये पलाई पर है भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2024 की कुर्बानी। तो ये हमारे पास पलाई पर ये, और अभी तो बच्चा है ये, 5-5.5 मन पे खड़ा हो बच्चा सावा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। बाकी अली आ रहा है, अली के वालिद आ गए गाड़ी लेकर, अली शहजोल लेकर आ रहा है। तो टोटल 5 जानवर हैं, 3 एक में आ जाएंगे और 2 एक में जाएंगे। तो इस तरीके से भाई रौनकें ख़त्म हो रही हैं, सीज़न एंड को जा रहा है और साले भी भाई, अच्छा ये जो जानवर है ना सारे भैरिया जा रहे हैं और साले भी इनके साथ जा रहे हैं वहाँ पे। तो 6-7 दिन के लिए, फिर ईद वाले दिन ये चांद रात को आ जाएगा। तो अच्छा मैं कहता हूँ भाई अनलोडिंग में बहुत मज़ा आने वाला है, पहले लोड होगा और अनलोड होगा। तो अनलोडिंग की मैं वीडियो तारिक भाई से मंगवाऊंगा, क्योंकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह गब्बर जो अभी मुझे लग रहा है कि गब्बर जितना सुन खड़ा हुआ ना, ये बहुत अभी उधम मचाने वाला है गब्बर। तो क्योंकि आपको पता है जब ये आया था शेकवान से, तो अल आसिफ पे इसने बच्चों को अपने टांगों के नीचे ले लिया था, फिर उसने गाड़ी तोड़ दी थी, बहुत इसने उधम मचाया था। मैं नहीं था, मैं तो यहाँ आया था फार्म पर, तो बकौल भाई के तो इसने तो बहुत महंगा पड़ गया था ये, जब इसने बहुत नुकसान करा था। बाकी भाई माशाल्लाह माशाल्लाह सब सोल्ड हो चुके हैं। और ये आसिफ भाई का जानवर है, ये भी 1-8 दिन में चला जाएगा। बाकी ये वाला अपना बबलू, बंटी और लाली, तो वो भी इंशाल्लाह अपने घर को 2-4 दिन में रवाना हो जाएंगे। तो बस एक ये बचेगा और कुछ जानवर अभी आने हैं, तो उनकी मैं आज ही आ जाएंगे। तो 2 व्लॉग बनेंगे, एक उनकी जब न्यू एंट्रीज होंगी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं और ऐसी हैं कि एक उसमें है 2025 के लिए, एक बच्चा है 2024 के लिए। तो जब बातें जब करूँगा जब वो चीज़ आएंगी, ठीक है। तो माशाल्लाह से अभी आता है, तो फिर लोडिंग की वीडियो बनाते हैं। अभी माशाल्लाह सफाई वगैरह चल रही है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई अली भी आ चुका है शहजोल लेके, और उनके वाले साहब तो पहले से आए हुए थे, ठीक है। तो बड़े बच्चे सारे इसमें चढ़ेंगे, गब्बर और वो दोनों चीने, और बाकी जो वो छोटे वाले तो उसमें चलेंगे। टोटल 5 हो जाएंगे। तो ये है साले, पहले से ही चढ़ा देना। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई तुम तो अभी सबर रखो, तुम तो अगले साल के। बाकी ये भी खीरा है, ये भी तकरीबन, ये तो 2025 का है, ये हमारा अपना है। ये सईद भाई का पलाई पे है, वो भी सईद भाई का, वो भी पलाई पे। और माशाल्लाह माशाल्लाह रानी को दिखाता हूँ भाई मैं, रानी को कैसी हो गई है। और अभी मैंने बोला भाई गाजी को कि इसकी टांग में रस्सी डालो, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह गली माशाल्लाह और छोड़ दी हो। ये देखें भाई बहुत ही खूबसूरत, और माशाल्लाह के कमेंट आने चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये 2024 या 25 तक जाएगी, 25 तक इंशाल्लाह जाएगी, और उससे भी 26 तक भी जा सकती है। लेकिन इससे हमारी माशाल्लाह से बहुत उम्मीद है। ये देखें अभी से इसकी कमर देखें और किस तरह हो रही है। तकरीबन अभी 3 महीने की है रानी, और हमने इसका नाम रानी रख दिया था भाई। साले से पूरा यार इसका नाम ना रानी रखो, बबली और रानी। ये देखें भाई आँखें माशाल्लाह इसकी ऐसे जैसे काजल लगा हुआ है। और ये भी बच्चा इसका है सईद भाई वाली गाय का, और मैं कहता हूँ भाई बहुत ही अच्छा बच्चा निकला है, बहुत अच्छा बच्चा निकला है। देखें अभी 20-25 दिन का, और इसकी हाइट और टांगों का लेंथ देखें, कमर की लेंथ और टांगे देखें कितनी लंबी हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह से अगर वैसे तो हमारे पास ये इंशाल्लाह अगर चीज़ अगर ज़िंदगी हुई तो बहुत बहुत आला चीज़ बनेगी। जो शौकीन है, जो समझते हैं शौक़ को, तो वो बच्चा देखें चेहरा है ना इसका, ये देखें भाई बहुत प्यारा बच्चा निकला है, बहुत प्यारा। और ये फ्रीजन, इसकी माँ फ्रीजन है, तो फ्रीजन क्रॉस ये भी अच्छी हो गई। ये भी तकरीबन 4-4.5 महीने की हो चुकी है। ये तो कोडुओं में है, क्योंकि इसको दूध सही मिला नहीं था, शायद इसकी माँ मर गई थी तो फिर ये दूध मिला नहीं सही से, तो इस तरह ये कोडुओं में ही
रह गया, अभी खीरा है लेकिन रहेगा इतने माशाल्लाह सेट हो गया। जो लोग पहले से देख रहे हैं इसे तो वो देख सकते हैं। अच्छा, और ये है भाई, इसकी माँ भोलू कैटल के पास से ली थी हम लोगों ने, क्योंकि एक आई भी थी उनके बाद दो गायें तो भोलू कैटल की थी, उसका तो ये बच्चा था। बच्चा माशाल्लाह सही है, लेकिन वो नहीं कहूँगा कि बहुत हाई फाई बच्चा, लेकिन माशाल्लाह अच्छा है, हाइटेड बच्चा निकलेगा, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा बनेगा, उम्मीद तो है। जो उसका बॉडी वॉडी स्ट्रक्चर है अच्छा, लेंथ वाइज झालर नाफे का इतना वो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह अच्छा बच्चा बनेगा, बहुत हाई फाई क्वालिटी का नहीं है। और ये भी बच्चा खीरा है भाई, ये भी इसी गाय का है, सईद भाई वाली गाय का, और ये भी खीरा है, ये भी माशाल्लाह कोडों में ही रहेगा, लेकिन अच्छा है, अच्छा बच्चा है। बाकी सबसे पहले गब्बर वगैरह को चढ़ा रहे हैं, और ये बंटी वगैरह तो अभी 3-4 दिन में जाएंगे, और ये आसिफ भाई का बच्चा भी 3-4 दिन में जाएगा। अच्छा भाई चले, गब्बर जा रहा है भाई, और इन आराम से चढ़ जाए, अल्लाह आराम आराम से चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा। हाथ लगवाओ, हाँ तुम टांगों में आ जाओगे, सही है। चलो 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 बेटा, चलो भैरिया जा रहे हो तुम, चलो बस बस आराम। ये खड़े में चलो चलो चलो, खींचो खींचो, लगाओ जोर लगाओ, हाँ बस चढ़िए चढ़िए, बस 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 सही है सही है। नकेल में से रस्सी है, साइड पर सही साइड है, ये हमारे पास हो काका, नहीं नहीं डाल ले, ये साइड है हमारे पास। गब्बर तो चढ़ गया, वैसे मैंने समझा था फड़ा उड़ी करेगा, लेकिन चढ़ गया, माशा सेट हुई है। जब तू नया नया आया था तो बहुत सफर करके तो सी आई पर वगैरह हो गया था, लेकिन चढ़ गया आराम से, उम्मीद तो नहीं थी, खैर चढ़ गया। हाँ तुम दूर ही खड़े रहो, हाँ तो मुझे पता है तुम टांगों में आ जाओगे, छाओ में खड़ा भाई। ये राशिद है, ये माशाल्लाह माशाल्लाह घोड़ों को संदूकियों में चढ़ा देता है। घोड़े इस तरह चढ़ जाए गए थे उस दिन जब तुम लेकर गए थे, घोड़े बड़े सुकून से चढ़े थे, सुकून से आराम से। चल आ जा आ जा, खोलो तू, माशाल्लाह गब्बन हो गई हैं घोड़ियां ना। अब कब बच्चा इनका? अभी तो काफी अर्थ लगेगा इन्हें, रमजान अगली सर्दियों में देगा ना इस तरीके से पूरा, 8-8 महीने हैं, 8-9 महीने अभी टोटल पूरे 9 महीने भाई, माशाल्लाह वो दोनों घोड़ियां गब्बन है। लियारी आएगा ये आसिफ भाई का, ओहो लियारी बस्ती आएंगे ये बच्चे, लियारी बस्ती आएंगे। माशाल्लाह कैसा था, और मैं कहता हूँ 1.5 महीने में इसने जो प्रोग्रेस पकड़ी ना खाने में, माशाल्लाह माशाल्लाह आसिफ भाई बहुत अच्छा है। बंटी भी जाएंगी 1-2 दिन में, बंटी अली ये बड़ा बच्चा बीच में कर दे फिर, आप पीछे जोर लगा हुआ आ जाएगा उस तरफ। इधर से नीचे देखो,
अब देखें फर्क, देखें इसकी कमर में और इसकी कमर में जमीन आसमान का फर्क है। अपना चेहरा दिखा दूं? अबे मेरे चैनल से यार ये तो मैं ही हूंगा ना, आवाज पहचानते हैं। ये राशिद कह रहा अपना चेहरा तो दिखा दूं। मैं उस्ताद का व्लॉग बना रहा हूँ, 10 मिनट का व्लॉग, यादगार वीडियो है। राशिद भाई आखिरी बार भी सारा माल एक साथ जा रहा है, उम्मीद नहीं थी कि एक साथ सारा फोल्ड हो जाएगा, लेकिन माशाल्लाह एक साथ जा रहा है, खाली हो जाएगी जगह बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, दो जानवर आ रहे हैं शाम में, शाम में आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से 2024-25 की पलाई में, और अभी और माल आना है। ये सावा खड़ा है, ये खीरा था ना, ये रुक गया। इसका नत नहीं है ना, वो लाल वाला आ जाएगा, अब आ जाएगा नाक में वहाँ। ये गाजी कहाँ था पहले यार तू? गाजी कहाँ था पहले? अभी तो गाजी जबी तो साल है गाजी, मुंशी वो बना हुआ है। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ओहो ये तो आराम से चढ़ गया, लेकिन ये स्लोप गाजी ने अच्छा बना दिया। बड़ा है यार ये तो, सदुखी में नहीं आ रहा पूरा। हाँ वो थोड़ा टेढ़ा होगा। अच्छा माशाल्लाह हाइट में बड़ा है। मैं मान ही नहीं सकता, बहुत महंगा। ये देखें इसको जरा मैं दिखाऊं पूरे फ्रेम में, तो माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रेश तो दांत है ये, लेकिन ये है कुर्बानी का, तो ये भी जाएगा घर पे, तो माशाल्लाह ये देखें। ओए ओए चेहरा देखें लाली, माशाल्लाह माशाल्लाह चेहरा देखें, बहुत ही आला बहुत ही आला, रोबदार बच्चा ये। मैं कहता हूँ बच्चा मैं अभी बिल्कुल नहीं बना बिल्कुल, क्योंकि इतना बीमार हुआ है ना पूरे साल कि मैं क्या बताऊँ। अभी ये 2-3 महीने पहले जाके सेट हुआ है, तो माशाल्लाह बहुत बहुत इसने प्रोग्रेस बनी भी है, और माशाल्लाह खाने में भी बहुत अच्छा है। जब भी माशाल्लाह इतना इसने कर लिया है रिकवर। चले ये भी चढ़ गया भाई, बड़ा है ये, वैसे नीचे छोटा लगता था, ये वजन है इसमें। बहुत जल्दी रिकवर करा। बाकी भाई लोड तो हो चुके हैं, अब अनलोडिंग इंशाल्लाह तारिक भाई को बोलूँगा, तारिक भाई वीडियो बना कर दें मुझे, अगर आ गई वक्त पे मिल गई तो मैं अपलोड कर दूँगा साथ ना एडिट करके इसके साथ लगा के। माशाल्लाह ये सावा तो अगले साल का है। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ये था अनलोडिंग दिखा दें, मैं माल दिखा दूँ, क्योंकि मैं आया क्योंकि थोड़ा काम भी था मुझे ऑफिस में लेने के लिए। मैंने बोला यार कि लोडिंग वगैरह दिखा दूँ, फिर आप बोलेंगे यार माल चला गया बताया भी नहीं। तो भाई लोडिंग हो चुकी है माशाल्लाह से, सोल्ड सब हो गया है और कोई भी नहीं बचा माशाल्लाह के फोर सेल वाला हो तो इस तरीके से। तो अपना फार्म भाई उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी माल चला जाएगा, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर की जो प्लान्स हैं इससे भी बढ़कर हैं, और बहुत अच्छे जानवर मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और पलाई सर्विस भाई अवेलेबल है फॉर 2024 के लिए, तो भाई कोई भी जानवर अगर पलवाना चाहता है तो वो देख सकता है। ठीक है तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करिएगा ताकि न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है
तो सावे बेटा अल्लाह हाफिज़ करो, ठीक है सावा नहीं करो, अल्लाह हाफिज़ बोलो, अल्लाह हाफिज़ नहीं भाई उससे अल्लाह हाफिज़ नहीं करना। चले अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।